जैसा कि दोस्तों आज हम सभी लोग सीखने वाले हैं कि हमारे पास एक सैमसंग का J2 मोबाइल फोन आया है, इस फोन में क्या लगा हुआ है, पैटर्न लॉक लगा हुआ है, और पैटर्न लॉक तोड़ेंगे फिर इसके अंदर FRP लग जाएगा तो FRP को भी तोड़ेंगे। ये सारा चीज का जो प्रैक्टिकल है वो हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। सबसे पहली बात क्या है, जैसे मुझे इसका लॉक तोड़ना, तो सबसे पहले क्या करिए, फोन को आप बंद करिए, फोन को क्या करिए, पावर ऑफ करिए। आज जो हम इसका FRP लॉक जो है वो UMT के द्वारा तोड़ने वाले हैं। UMT से कैसे FRP को तोड़ेंगे, बंद करने के बाद आपने बैटरी निकाला, बैटरी निकालने के बाद आपने दोबारा लगा दिया। अब आपने क्या करना है, इसकी प्लस वाली बटन को दबाना है और होम वाली बटन को दबाना है, जिससे आपका सेट क्या हो जाएगा, रिकवरी मोड में चला जाएगा। देखिए पावर अब सेट आपका ऑन हो गया, पावर बटन को छोड़ दीजिए, सिर्फ प्लस माइनस दोनों को दबा कर रखिए। इस तरीके से आपके अंदर फोन खुल जाएगा, ये एंड्रॉयड जैसा लोगो बन गया है। हमने क्या करना है, बैटरी निकालना है, फिर से लगा दिया। पावर बटन को छोड़ दिया। अब यहाँ पर रिकवरी मोड का जो फंक्शन होता है वो सारी चीजें खुल जाएंगी एक एक करके। खुल गया, उसके बाद सबसे पहला जो फंक्शन खुल कर गया था, अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको ये खुल गया था जिसे हम बोलते हैं रिबूट सिस्टम नाउ। ये सेट को रीस्टार्ट कराने के लिए होता है, फोन को फॉर्मेट करने के लिए देखेंगे ये वाला फीचर आता है, वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट। आप इसमें ओके करेंगे, ओके करने के बाद यस कर दीजिए। इसका जितना भी सारा डाटा होगा वो सारा डाटा डिलीट हो जाएगा, सब डिलीट हो गया, पासवर्ड भी डिलीट हो गया, पैटर्न लॉक भी चला गया। अब फोन आपका चालू होगा, फोन फॉर्मेट होने के बाद रीस्टार्ट होने में टाइम लगता है थोड़ा, 1 से 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक का समय लग सकता है। हमारा जैसे फोन ये रीस्टार्ट हो गया, अब ये रीस्टार्ट होने के बाद अब आपका फोन चालू हो जाएगा बिल्कुल फ्रेश, जैसे नया फोन होता है, न्यू फोन होता है, न्यू फोन की तरह ही सारे ऑप्शन दिखाएगा। फोन चालू होता है, फोन चालू होने के बाद अब सारा प्रोसेस खुल करके आएगा। जब हम सेट को रीसेट कर देते हैं, जितने भी सैमसंग के मोबाइल फोन होते हैं, यदि हम उन फोनों को रीसेट कर देते हैं तो रीसेट तो नॉर्मली ऐसे ही हो जाते हैं, लेकिन बाद में उसमें लग जाता है FRP लॉक लग जाता है। FRP लॉक क्या होता है, ये Gmail अकाउंट का लॉक होता है, ये लॉक लग जाता है। ये देखिए जब आपका मोबाइल फोन चालू हो जाएगा, आप इसमें नेक्स्ट करेंगे, आप इसमें अगर वाईफाई कनेक्ट करना है वाईफाई को कनेक्ट कर दीजिए, ये आपके फोन में नेट कनेक्ट हो जाएगा। हमने नेक्स्ट किया, एग्री किया, हमारे मोबाइल फोन में ये इस तरीके से FRP लॉक लग जाता है। फोन को रीसेट करने के बाद, मतलब फोन को आफ्टर रीसेट करने के बाद ऐसा FRP लॉक लग जाता है। अब FRP लॉक के लिए आप या तो आपको Gmail ID पता हो आप डाल दीजिए, आगे बढ़ जाएंगे,
और ज्यादातर जो कस्टमर होता है नेक्स्ट नेक्स्ट करके अपनी कोई भी जीमेल आईडी बना लेते हैं, फिर उसमें एफआरपी लॉग की प्रॉब्लम आ जाती है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले फोन को बंद कर लिया। बंद करने के बाद फिर फोन को हमने ले जाना है डाउनलोडिंग मोड में। किसमें ले जाना है? डाउनलोडिंग मोड में। ये देखिए इस तरीके से डाउनलोडिंग मोड आ जाएगा। डाउनलोडिंग मोड आने के बाद फिर आपको क्या करना है, जितने भी सारे लोग हैं सारे लोगों को क्या करना है, और सिस्टम में अपने एम्प्टी डोंगल लगाना है। डोंगल लगाने के बाद फिर आपको ओपन करना है अल्टीमेट मल्टी टूल। क्या ओपन करना है? अल्टीमेट मल्टी टूल। जब आप अल्टीमेट मल्टी टूल पे क्लिक करेंगे को ओपन होने में थोड़ा समय लगता है। ये देखिए लाइट ब्लिंक कर रही है, यहाँ पर टाइमिंग चलता है, थोड़ा सा वेट करिए। यहाँ पर आई हैव नीड पे क्लिक करिए, एक्सेप्ट पे क्लिक करिए। और आपका देखिए ये कनेक्ट हो गया है, टूल ओपन हो गया है। टूल ओपन होने पर सबसे पहले क्या करना है, आपको सैमसंग में जाना है। सैमसंग में जब क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर सबसे नीचे ऑप्शन आएगा जिसे हम बोलते हैं अल्टीमेट फ्लैशर। आपको क्या करना है, अल्टीमेट फ्लैशर पर क्लिक करना है। अब आपको क्या करना है, अल्टीमेट फ्लैशर के लिए अगर आपको फोन को फ्लैश करना है तो फोन फ्लैश करने के लिए फाइल आपको नेट से डाउनलोड करनी पड़ती है। और फाइल नेट से डाउनलोड करने के बाद सैमसंग के फोनों में यह तो सिंगल फाइल आती है, यह तो मल्टी फाइल आती है। सिंगल फाइल होती है तो आपकी एपी होती है, एपी फाइल को जाकर के यहाँ पर ऐसे फाइल को लोड कर दीजिए। अगर चार फाइलें आती है तो चारों फाइलों को अलग अलग जाकर के लोड कर दीजिए। अब जैसे हमको जाना टूल्स एंड एफआरपी में जाना है, किसमें जाना है? टूल्स एंड एफआरपी में जाना है। टूल्स एफआरपी में जाने के बाद यहाँ से आपको मेथड को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको न्यू मेथड सिलेक्ट कर लिया। न्यू मेथड सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले फोन को क्या करना है, आपको कनेक्ट कराना है। फोन कनेक्ट कराने के लिए फोन को क्या किया हमने, सबसे पहले फोन को स्विच ऑफ कर लिया। आया होम वाली बटन को दबाया, आपके सेट में ऐसा बंद करके आएगा। देखेंगे यहाँ पर कोई पोर्ट नहीं है, रिफ्रेश करेंगे कोई पोर्ट नहीं है, लेकिन जैसे आप मोबाइल फोन को इससे कनेक्ट करेंगे, देखिए हमने फोन को कनेक्ट किया, कनेक्ट करते रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर तुरंत कॉम 9 पोर्ट बंद किया गया। ये देखिए अब वहां पर आप एफआरपी मेथड में चले गए, टूल्स में क्लिक किया। टूल्स में क्लिक करने के बाद फिर आपने एफआरपी मेथड पे जाकर के न्यू मेथड को सिलेक्ट करना है। न्यू मेथड को सिलेक्ट करेंगे, सैमसंग के जितने भी सारे J2 J7 मोबाइल फोन आते हैं सारे मोबाइल फोन के एफआरपी आप वन क्लिक में निकाल सकते हैं। आपने रीसेट एफआरपी पे क्लिक किया, जैसे आप रीसेट एफआरपी पे क्लिक करेंगे देखिए ये देखिए डिवाइस फाउंड कर लिया, डाउनलोडिंग मोड में है, रीडिंग डाटा फ्रॉम फोन, एफआरपी लॉग डाटा, ये देखिए। आपका जैसे ही एफआरपी निकल जाएगा आपका फोन रिबूट मार जाएगा, आपका फोन क्या हो गया, रिस्टार्ट हो गया। रिस्टार्ट होने के बाद फोन हमारा ऑन होगा प्रॉपर तरीके से। ऑन होने के बाद अगर वो डेट टाइम वगैरह सेट कराता है तो सेट कराता है, नहीं तो आगे बढ़ जाएगा या सीधे मोबाइल फोन डेस्कटॉप स्क्रीन पर जाकर के खड़ा हो जाएगा जाकर के, और आपके फोन का एफआरपी टूट जाएगा। फिर आपके जो सॉफ्टवेयर होते हैं एप्लीकेशन वगैरह इसके अंदर जो होती है उनको दोबारा प्रॉपर इंस्टॉल होती है। तो जो भी सारी एप्लीकेशन होती है वन बाय वन करके सारी एप्लीकेशन इंस्टॉल होती हैं, और एप्लीकेशन इंस्टॉल होने के बाद आपका जिसका मेन स्क्रीन मेन्यू हो जाता है वो आपका आ जाएगा और आपके फोन का एफआरपी लॉक क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। फिर से लोगों को क्या करना होगा, प्ले स्टोर को चालू करने के लिए प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा और जीमेल आईडी बनाना पड़ेगा, या तो जीमेल आईडी आपके पास ऑलरेडी है तो पहले तो लॉगिन हो सकते हैं।
देखिए, ये हमारे पास मोबाइल फोन था, हमने इस मोबाइल फोन को लॉक तोड़ दिया है। लॉक तोड़ने के बाद हमने इस फोन का FRP भी हटाया। सारे मोबाइल फोन के लिए पासवर्ड हो गया, चाहे FRP लॉक हो गया, हटा सकते हैं। सैमसंग के जितने मोबाइल फोन आते हैं, सारे मोबाइल फोन में क्या रहता है, उसका पैटर्न तो नॉर्मली ऐसे ही टूट जाता है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम कहीं ना कहीं FRP में आती है। तो FRP को हम लोग टूल से निकाल सकते हैं। यह FRP के बाईपास करने के नेट पर बहुत सारे मेथड दिए हैं। आप चाहो तो नेट के द्वारा भी FRP को बाईपास कर सकते हो। अगर FRP नहीं बाईपास करना चाहते तो भी आप नॉर्मली आप टूल से कर सकते हैं। टूल से तो रिपेयरिंग बहुत आसान है, मतलब वन क्लिक में ही सारे काम हो जाते हैं, क्योंकि टूल्स जो है वो बने ही इसीलिए हैं, जिनका यूज ही यही है कि फोन के अंदर लॉक खोलना। तो जैसा कि आप लोगों ने आज देखा कि क्लास में हमने किस तरीके से फोन के अंदर पासवर्ड को हटाया है और FRP को तोड़ा हुआ है, इसी तरीके से एक एक करके जो भी सारे मोबाइल फोन आते हैं, सारे मोबाइल फोन के एक एक करके सारे टॉपिक के बारे में आपको सब चीजें सिखाई जाती हैं प्रैक्टिकल तरीके से। ओके, थैंक यू सर।